गुड इवनिंग अमरजीत, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? काइंडली लिसन। गुड इवनिंग सर। गुड ओके मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। कैसा चल रहा है तुम्हारा? थोड़ा काम स्लो हो गया सर, वो बारिश लगातार हो रहा है इस कारण से। हाँ ओके सो कैसा चल रहा है? प्लांट सही है? अच्छा हाँ सर, कहाँ से शुरू करें बताओ। सर वो थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया था सर। तो प्रेशर समझ में आ चुका है, टेम्परेचर समझ में आ गया है ना, थर्मल इक्विलिब्रियम जैसा नहीं बातें हम लोग कर रहे थे। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा बेसिक से शुरू करता हूँ, बेसिक आइडिया चाहिए सबको, है ना। ज्यादा ग्लोबल है ये, ठीक है। बैकग्राउंड ग्रीन वाला ठीक है। ग्रीन वाला, ये वाला देखा तो ये हाँ सर, सही। चलो इसमें लेकर देखते हैं। देख एकदम बेसिक चीजें समझते हैं। बेसिक चीजें क्या है? ग्रीन एकदम बेसिक पे जाते हैं तो मेरे को बताओ, मास वेट, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? सर जो मास है सर वो नंबर ऑफ मीटर्स से बना हुआ है, जबकि वेट है जो जो मास है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स वो वेट कहलाता है। तो वेट वेट बेसिकली वेट क्या हुआ? वेट क्या है चीज है? वेट क्या चीज हुआ? वेट सर मतलब फोर्स जो लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है मास, उसी को वेट वेट कहते हैं। तो वेट हो गया मेरा
वेट क्या है? वेट है फोर्स है, और मास क्या है? मास है मेरा क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, है ना? क्वांटिटी ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसी भी चीज में, तो क्या मास वेरी होता है? ये बैकग्राउंड सही दिख रहा है ना? नहीं कलर सर, कलर सही नहीं है ना? नहीं है सर, ब्लैक करिए। ब्लैक पेंसिल नहीं हो रहा सर, डार्क ही नहीं है सर, थोड़ा डार्क। यही सारी चीजें अभी फेस कर रहा है। इसमें आते हैं, इसमें आने से क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो लिखा ही अच्छा दिखाई देता है ना? नहीं मास तो मास क्या हो गया हमारा? मास हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसी भी चीज के अंदर जो है क्वांटिटी वो, और वेट क्या है? वेट हो गया मेरा फोर्स। तो हम लोग जानते हैं वेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी, डब्ल्यू जी, है कि नहीं? जी सर, ओके क्या मास किसी भी चीज का चेंज होता है? नहीं सर, वेट चेंज होता है? जी सर, वेट जगह बदलने से वेट चेंज होता है, लेकिन मास कांस्टेंट है। तो फैक्ट यह है कि एग्जैक्टली मास भी चेंज होता है, मास भी चेंज होता है, लेकिन हम लोगों को नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्पीड है वो स्पीड बहुत ही कम है। अगर हम लोग स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में चलने की कोशिश करें तो देखेंगे कि मास भी चेंज होता है, दैट इज फ्रॉम योर थियोरी ऑफ रिलेटिविटी एंड ऑल, उस पे अपने को नहीं जाना। अच्छा, ये जो क्वांटिटी है ना, ये सारे क्वांटिटीज को हम लोग दो टाइप के क्वांटिटीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? फंडा फंडामेंटल क्वांटिटीज। मेंटल क्वांटिटी, क्या मेरे को बता सकता है कि टोटल कितने फंडामेंटल क्वांटिटी है? क्या सर सात हैं सर, क्या? मास, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और मास, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करंट मास हो और गया, लेंथ हो गया, लेंथ। यस सर, यस लेंथ। टाइम हो गया, टेम्परेचर जी सर, हो गया, जी सर, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या तुम मेरे को इन सब का यूनिट
बता सकता है। ऐसा मास का केजी। ही बनेगा, मास का हो गया केजी। केजी लेंथ का मीटर, टाइम टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस, टाइम टाइम का सेकंड और टेम्परेचर, टेम्परेचर इलेक्ट्रिक डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस करंट, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी, रो यहाँ कैड सी कैंडेला, ए डी कैंडेला, 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 इसका मोल, इसका इसका मोल होगा। मोल। अब मेरे को बताओ इनका सिंबल, मास को हम लोग डिफाइन डिनोट करते हैं एम से, लेंथ एल से, टाइम को स्मॉल टी से, टेम्परेचर कैपिटल टी या फिर थीटा से डिनोट किया जाता है, करंट को आई से, लुमिनस इंटेंसिटी हमको भी नहीं पता, देखना पड़ जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी थीटा से ही रहता है, ये दोनों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है ना। एनीवेज बाकी सारे में यहाँ पे जो सिंबल्स है उनका डायमेंशंस देखो, डायमेंशंस क्या होगा मास का, एम जीरो सॉरी एम वन, एल जीरो टी जीरो, है ना, तो जी सर, जी एम लिख देते हैं, लेंथ का एल, टाइम का टी, टेम्परेचर थीटा, करंट, करंट का क्या लिखते हैं, करंट इलेक्ट्रिक करंट का आई ए लिख, आई ही लिखा जाता है, छोड़ दो ये हमारे हमारे काम के लिए, हम लोगों को डील करना है इस चीज से, है ना। अब ये जी फंडामेंटल सर क्वांटिटी के ऊपर बेस करके हमने बहुत सारे क्या बनाए हैं, डेराइव क्वांटिटीज, बाकी सारे क्वांटिटीज को क्या किया है, हमने डेराइव किया है ना। जी सर डेराइव क्वांटिटीज, बाकी जितने सारे क्वांटिटीज है वो सारे डेराइव क्वांटिटीज है। जैसे कि पहला वाला कहाँ से शुरू करेंगे, वेट वेट ट्राई है, मतलब जितना भी है इस सब सातों को छोड़ के सब डी राइट। हम शुरू करेंगे डिस्टेंस से, डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस जी सर डिस्टेंस, सर का मतलब क्या होता दूरी, मतलब है, डिफाइन कैसे समय करोगे, क्या पे चीज है डिस्टेंस, एक जगह से दूसरा जगह जाना, वो भी नियम समय, मतलब जो टाइम टेकन समय के साथ इसे। डिस्टेंस का क्या लेना देना, तो पोजीशन को चेंज करना, हाँ तो डिस्टेंस जब मैं बोल रहा हूँ तो डिस्टेंस का मतलब क्या, डिस्टेंस मतलब किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो पोजीशन का डिफरेंस, स्पेस में जो डिफरेंस आ रहा है ना, पोजिशनल जी सर डिफरेंस, पोजिशनल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन स्पेस, वही होता है डिस्टेंस। जी सर सो डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, मीटर, मीटर होगा। जी सर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये भी सर, इसका भी मीटर होगा सर। सर मीटर होगा, लेकिन दोनों में क्या अंतर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, मतलब है। दो बिंदु के बीच कम से कम दूरी को तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल फाइनल पॉइंट, है ना। तो फाइनल पोजीशन जी सर, और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो दूरी है उसी को हम क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं।
और डिस्टेंस हो गया जी सर, टोटल डिस्टेंस, है ना। जी सर, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर सर स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, जी, वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता है तो मैं स्पीड डिफाइन कर सकता हूँ, है ना। जी सर, मीटर स्पीड क्या है? पर सेकंड, ये ये स्केलर है कि स्केलर वेक्टर है? है, स्केलर है, क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका, कैसे निकालेंगे? नहीं M1। अच्छा, नहीं स्पीड निकालोगे कैसे? डिस्टेंस डिस्टेंस बाई टाइम, जी बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। मीटर पर सेकंड, ये वेक्टर पॉइंट। वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस मैन अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन, है ना। वेलोसिटी अगर तुमको पता है तो तुम एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब बताओ। सर एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या चीज है? जो वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी में चेंजेस जो होता है वो एक्सेलरेशन को। चेंज इन वेलोसिटी मतलब डी वी टी, है ना, रेट ऑफ चेंज जी इन सर, वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना वेलोसिटी, चेंज हो रहा है सब समय के साथ, वो होता है मेरा एक्सेलरेशन। तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट? डी वी। ठीक, जी सर, अगर एक्सेलरेशन तुमको पता है तो तुम फोर्स निकाल सकते हो। फोर्स क्या का यूनिट क्या होता है बताओ? फोर्स और सर एक्सेलरेशन बाय टाइम, एक्सेलरेशन बाय टाइम, मतलब नहीं सर एक्सेलरेशन बाय टाइम मतलब मीटर पर सेकंड क्यूब, नहीं सेकेंड नहीं का सर, क्यूब। हम सर बोल रहे हैं ये कंफ्यूजन है। फोर्स फोर्स का यूनिट न्यूटन। डिस्टेंस, हाँ न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर, हाँ अरे न्यूटन, नहीं, न्यूटन और पर सेकंड, लेकिन इसका फॉर्मूला फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, जी सर, फॉर्मूला और ये होता है जी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर्मूला अभी फोर्स का फॉर्मूला सर, बोलते हैं तो एफ इजिकल टू एम इंटू ए, बच्चों को पूछो बोल देगा। फोर्स बच्चों इजिकल टू मास इंटू को एक्सेलरेशन, पूछना कि जो भी जी सर, जी ऑब्जेक्ट सर, है उसका जो मास है मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन। मतलब फोर्स को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? फोर्स फोर्स कितना फोर्स लगा होगा कैसे पता चलेगा, है ना। तो फोर्स को हम जी इस सर, तरीके से डिफाइन करते हैं कि अगर 1 kg का मास है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो जिसका मास कितना है 1 kg है, और उस पे जब हमने फोर्स अप्लाई किया वो उस ऑब्जेक्ट का स्पीड मतलब वेलोसिटी, उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अगर 1 meter पर सेकंड स्क्वायर चेंज होता है तो उतने अमाउंट ऑफ फोर्स को हम लोग 1 न्यूटन फोर्स या फिर
1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं, है कि नहीं? क्या मेरी बात जी क्लियर है? सर, फोर्स जी को सर, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एफ इज इक्वल टू एम है ना, न्यूटन्स का कौन सा लॉ? फर्स्ट लॉ। न्यूटन न्यूटन के कौन से लॉ से अपने को फोर्स का मैग्नीट्यूड पता चलता है? सर फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ मोमेंटम। इनर्शिया। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ये बोल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना जो अरे स्टेट है अरे, उस स्टेट मेरा को पूरा पकड़ चेंज लिया हो। नहीं करेगा। स्टेट अरे तब चला गया, अनीश गया अंगोल और विकास, देखा चाहे वो स्टेट सर, ऑफ अनीश गया अपर अंगोल और स्टेट। विकास भाई ड्यूटी में। फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है? न्यूटन फर्स्ट लॉ न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। जी सर, ये बोल रहा है कि कोई भी चीज जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर वो ये मोशन पे है तो यूनिफॉर्म मोशन पे रहेगा जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट को तुम कोई भी चीज पकड़ सकते हो, जिस जो भी पकड़ो, जितना बड़ा तुम सराउंडिंग ऑब्जेक्ट ले लो उसके बाहर वाला सराउंडिंग, तो बाहर से जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक ये ऑब्जेक्ट मोशन पे रहेगा या फिर रेस्ट पे रहेगा। तो ये अपना स्पीड को चेंज नहीं कर सकता है। अगर स्पीड 0 है, रेस्ट पे है, मतलब क्या है? उसका स्पीड या फिर वेलोसिटी है ना, उसका वेलोसिटी 0 है तो वो वेलोसिटी 0 ही रहेगा, इसका मतलब रेस्ट पे है। और अगर वो किसी एक पर्टिकुलर स्पीड पे चल रहा है, वी वेलोसिटी से चल रहा है, तो वो वी वेलोसिटी से ही चलेगा, उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकता है जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना हो। जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, इंटरनल फोर्स से कोई भी चीज का क्या कहते हैं इसको, स्टेट चेंज नहीं हो सकता। स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज स्टेट ऑफ मोशन। अब मेरे को बताओ, अगर लॉ ऑफ इनर्शिया बोल रहे हैं तो इनर्शिया कितने टाइप के होते हैं? टाइप ऑफ इनर्शिया बताओ। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्या क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन, और एक क्या होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखो रेस्ट समझ में आता है, स्पीड इसका 0 है, वेलोसिटी 0 है, क्या कहते हैं इसको, इनर्शिया ऑफ मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं है, एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 है मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रहा है, उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अब पकड़ लो एक पत्थर को ना, हम लोग एक रस्सी में बांध के उसको घुमा रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं, तो वो सर्कुलर मोशन पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रहा है, लेकिन इसका क्या हो रहा है? इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, अपनी जगह जैसे जैसे बदलेगा उसका डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं, क्या हो रहा है? इसका वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना, समझ में आ रहा है मेरी बात? सो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तीन टाइप की इनर्शिया। ये कौन से लॉ से आ रहा है हमको?
लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? सेकंड लॉ बताओ। सो न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दे रहा है। जैसे F इक्वल टू एम पी, ये कहाँ से मिला हमको? एग्जैक्टली क्या बोल रहा है न्यूटन कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर चेंज इन मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। अब बोलोगे सर मोमेंटम क्या चीज है? मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड योर मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम एक क्वांटिटी है जो मोशन के साथ चलता है। जब कोई भी चीज ऑब्जेक्ट जा रहा है तो फिर उस मोशन में है, तो उसका क्या क्या मूव कर रहा है? मोमेंटम मूव कर रहा है, मतलब उसका स्पीड एंड मास दोनों चीज, दोनों इम्पैक्ट देता है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम बी इंटू माइनस एम यू। बी इज द फाइनल वेलोसिटी, एम यू इज द इनिशियल वेलोसिटी। तो एफ कितना लिख सकते हैं? एम बी माइनस एम क्यू डिवाइड बाई टाइम, एंड दिस इज यू कैन राइट बी माइनस यू बाई टी। बी माइनस यू मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टी, दिस इज नथिंग बट योर एक्सेलरेशन, एफ इक्वल टू एम। एंड न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोल रहा है? थर्ड लॉ क्या बोल रहा है? न्यूटन का थर्ड लॉ बोल रहा है एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना? अच्छा एक बात बताओ, एक ऑब्जेक्ट और इसमें एक्शन एंड रिएक्शन हो रहा है एज पर न्यूटन थर्ड लॉ। एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो क्या ये बॉडी मूव करेगा? बताओ। एक ऑब्जेक्ट है और इस पे मैंने फोर्स लगाया, है ना? क्या लगाया? फोर्स लगाया। अब फोर्स लगाने से उसका रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। जब इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होगा तो क्या ये फोर्स लगाने से ये बॉडी मूव करेगा इधर? डेफिनेटली करेगा। क्यों? क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। कि एक ये बॉडी है जो ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, और जो बॉडी जिस बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो रहा है वो बॉडी इसके ऊपर, एंड बी आर टू डिफरेंट बॉडीज। सो ए बी के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो बी ए के ऊपर रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, तो दो फोर्स अलग अलग है। अगर हम लोग देखें तो अलग अलग फोर्स, अलग अलग सेम फोर्स अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, इसीलिए बॉडी मूव करेगा, है ना? तो ये सारी बातें आप लोगों को पता है पहले से। हम लोग कहाँ पे थे? यहाँ पे थे। फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन। फोर्स क्या है? न्यूटन है। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एफ इक्वल टू एम ए। अगर हमको फोर्स पता है तो 1 निकाल सकते हैं। वर्क कितना क्या हो जाएगा? आर यू देयर?
वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स हो गया न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हो गया मीटर, तो ये हो गया वर्क न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को हम क्या बोलते हैं, जोल बोलते हैं। न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं, जोल बोलते हैं। ठीक, वर्क अगर पता है तो हम लोग पावर निकाल सकते हैं। पावर क्या है, वर्क डन ऑन यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम पे कितना वर्क डन हुआ उसी को पावर बोलते हैं। तो पावर इक्वल टू वर्क अपन टाइम, मतलब जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड, और अगर पावर पता है आप हमको तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एनर्जी को। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम। पावर क्या है, जूल पर सेकंड इनटू सेकंड, इसका मतलब एनर्जी का यूनिट क्या हो गया, जूल मतलब एनर्जी, एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल, एनर्जी एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल। तो ये जो चीजें फंडामेंटल चीजें हैं, इन चीजों को बार बार रिपीट करना बहुत जरूरी है। किसी को समझ में ना आए, कुछ कंफ्यूजन हो, तो फिर मेरे से बात कर सकते हो, रिपीट करेंगे, चीजें समझेंगे कि क्वांटिटी कौन सा क्या चीज है ना, इसका आइडिया बहुत अच्छे से होना चाहिए। स्केलर कौन सा है, वेक्टर कौन सा है, तो अपने को पता है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी अगर वेक्टर है तो फिर एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, मास स्केलर है मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर, वेक्टर होता है। वर्क डन क्या होगा, फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, तो वर्क डन क्या होगा, वेक्टर होगा कि स्केलर होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। क्यों, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम प्लेन पे है, डॉट प्रोडक्ट है, दो डॉट फैक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होता है। पावर क्या होगा फिर, वर्क क्योंकि स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। एनर्जी पावर इंटू टाइम, पावर स्केलर है, टाइम स्केलर है, तो भी एनर्जी। ओके एवरीवन, चलो ठीक है, आज के लिए इतना। फंडामेंटल चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, है ना।